अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मतलब कि ये सब कुछ मृदुला ने किया? मुझे पाने के लिए मृदुला का पागलपन इतना बढ़ गया कि उसने मेरी और तुम्हारी दोनों की जान दांव पर लगा दी। वो ऐसा कैसे कर सकती है? कैसे कर सकती है ऐसा? ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और मुझे भनक तक नहीं लगी। अनमोल मुझे माफ कर दो। ये क्या कर दिया मैंने? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं और उसके बावजूद भी मैं तुम्हारी हालत नहीं देख पाया। मैं तुम्हारा दर्द नहीं समझ पाया। मैं ये नहीं समझ पाया कि तुम इतनी सारी तकलीफों से लड़कर मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे बचाने के लिए तुम मेरी ही नजरों में बुरी बन गई। अनमोल, तुम इतना सब कुछ अकेले सहती रही और मैं बस तुमसे एक सवाल का जवाब मांगते रह गया और वो तुम्हारा अनचाहा जवाब जो तुम्हारी आंखों में था वो मैं नहीं पढ़ पाया। जब माफ कर दो अनमोल। ऐसा कैसे कर सकता हूं मैं? रजत जी, आप खुद को क्यों चोट पहुंचा रहे हैं? नंदनी, आंखें खोलो, नंदनी। रजत जी, हालात कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि हमारा दिल और दिमाग दोनों काम करना बंद कर जाता है। और हमारे साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन अब हम एक हो गए हैं ना। अब हम मृदुला से वो सब कुछ वापस लेंगे जो उसने हमसे छीना है। रजत जी, अगले दफा अब ये तूफान मेला आपको छोड़कर कहीं नहीं जाती, कहीं नहीं। चौहान एक अच्छी बहू और एक माँ होने के साथ साथ एक अच्छी इंसान भी है। ऐसे लोग राजनीति में आए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? मृदुला जी समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मृदुला जी गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। मृदुला जी गरीबों के लिए मसीहा है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, मृदुला जी जैसे लोगों की समाज में बहुत जरूरत है। वाह चिंटू जी, मेरी मेहनत में अपनी मेहनत मिलाकर कमाल कर दिया आपने। गुड जॉब। ये मेहनत का नहीं, झूठ का दृश्य है जिसे दुनिया को दिखाकर बेवकूफ बनाया जाएगा। तुम चिंता मत करो, मृदुला ने जो तुम्हारे साथ किया है ना, उसके हर एक गुनाह की सजा मिलेगी उसे।
तुमसे छोड़ूंगा नहीं मैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हम मृदुला को उसकी नानी दादी पर नानी सब कुछ याद दिला देंगे, क्योंकि तूफान मिल और पिंगड़े नवाब की जोड़ी बन गई है। और जहां भी जाती है बस तूफान मचाती है। पर इस बार तूफान नहीं, तबाही मचेगी, और वो भी मृदुला की। नंदनी आंखें खोलो, नंदनी। नंदनी, नंदनी, नंदनी आंखें खोलो। रजत जी, मृदुला ने ऐसी चाल चली है जिसकी वजह से हमें भी तेरी चाल चलनी पड़ेगी, इसलिए उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम तेवर नहीं हैं, और ना ही ये पता चलना चाहिए कि आपकी शराब की लत छूट गई है, वरना वो हमें फिर से आपसे अलग कर देगी और हमें एक दूसरे के साथ वापस नहीं आने देगी। अनमोल, आज मैं तुमसे वादा करता हूं कि मेरे घर से या मेरे दिल से तुम्हें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा, पर ना ही मुझे तुमसे दूर कर पाएगा। अब इंसाफ होगा, मृदुला की हार अब तय है। उसने मुझसे मेरे प्यार को छीनने की कोशिश की, मेरे प्यार को मारने की, मुझे उससे दूर करने की कीमत चुकाएगी वो। एक बार पार्टी में मेरी जगह फाइनल होने दीजिए, फिर देखिए मैं कैसे सबको उनकी जगह दिखाती हूं, और जो रद्दी है ना उसे इस घर के बाहर करती हूँ। चिंटू जी। मैडम जी। ये एवी हर चैनल पे चलना चाहिए ताकि मेरा नॉमिनेशन फाइनल हो सके। जी मैडम जी, मैं तो खुद कुरियर बनकर जाऊंगा और एवी पहुंचाऊंगा। अब जाके इतने दिनों का मेरा सपना पूरा होगा। अब बस मैडम जी, और बस मैडम जी, और हम चिंटू जी। या नंदनी, नंदनी आंखें खोलो, नंदनी, 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 क्या हुआ, क्या हुआ नंदनी को? मम्मी पता नहीं कैसे अचानक से बेहोश हो गई, डॉक्टर को बुलाया है, अब वही बताएंगे इसे क्या हुआ है। चल जल्दी से कमरे में लेकर चल। नंदनी, हाँ बिगड़ने वाला, याद रखिएगा किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम और आप एक हो गए। हम एक हो गए, ये बात मैं कब से सुनना चाहता था। अनु, ये रिश्ता अनजाना कैसा।
है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना। पहचान लू बिन बोले सुनून की बतियां, खो जाऊं बिन बात के जागूं सारी सारी रतियां। राम सिया सा होता ना बाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना। अब देखिए कैसा है ये रिश्ता अनजाना दंगल प्ले पर टीवी से पहले।